तो गाइस जैसे कि आपने पिछले वाले गेम प्ले वीडियो के अंदर देखा होगा, वेजिटा ने जैसे ही एंड्रॉइड 20 को बहुत बुरा पेला तो उसके बाद में एंड्रॉइड 20 वहां से दम दबा के भाग गया और उसी के पीछे ये चारों भी पड़ गए। अब देखते हैं यार कहां पर जाकर मिलेगा ये एंड्रॉइड 20। तो यार पिकोलो यहां पर खड़ा है, अब देख रहा है कि एंड्रॉइड 20 गया किधर। एंड्रॉइड 20 तो यार पर कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है इसे। तो पिकोलो कह रहा है कि अभी तक गोहान से मेरे को एक भी शब्द सुनाई देने को नहीं मिला। तो यार देखो क्या हुआ था, जब ये भागे थे ना तो इनकी प्लानिंग ये हुई थी, जैसे कि आपको भी पता ही होगा कि यहाँ पर किसी को भी एक को भी पहले मिल जाता है एंड्रॉइड 20 तो यार वो बता देंगे जल्दी से आकर। तो यार अभी तक किसी को भी नहीं मिला, तो यार हम खुद जा जा के पूछ रहे हैं। अब टीएन के पास में गए तो फिर पूछते हैं कि कुछ भाई पता चला, कुछ मिला, कुछ दिखाई दिया क्या भाई साहब? तो टीएन भाई साहब बोलते हैं नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो यार यहाँ पर तो सारा का सारा माजरा खराब होकर रखा है। अब मैं चलता हूँ दूसरी साइड के अंदर, यहाँ पर यार तीन लोकेशन पर मेरे को जाना है, तो देखते हैं यार अब कहाँ पर जाऊँगा मैं। अरे अरे भाई साहब, ये चट्टान में क्यों छेद करे जा रहा है पिकोलो भाई जान। तो यार यहाँ पर पता नहीं कौन है, चलो देखते हैं। ये रहा भाई, कौन सा बंदा है इसको देखते हैं पास में जाके। भाई साहब ये तो क्रिलिन है अपने, तो इनसे बात करके देखते हैं। तो पिकोलो ने पूछा कि क्या तुमने कुछ देखा क्रिलिन? तो फिर क्रिलिन बोलता है कि वो कहीं चट्टानों के बीच में ही छुपा हुआ है। तो यार यहाँ से हम चलते थे, दो जगह मारी हमने चेक कर लिया, तो यार दो लोगों को तो कुछ नहीं दिखाई दिया। अब बाकी के दो लोगों के पास जाके पूछते हैं। तो अब देखते हैं अब ये किसके पास में जाने वाला है पिकोलो। तो ये जगह पर कौन होगा, कौन होगा भाई साहब यहाँ पर बैठा हुआ या फिर खड़ा हुआ जो देख रहा होगा? अरे भाई साहब वेजिटा भी है यहाँ पर, देखो यार वेजिटा तो खुद सबसे पहले भागा था और उसके सामने से चले गया, हमको तो अब शायद ही मुश्किल मिल पाएगा। तो यार एक और बंदा रह गया, उससे जाके पूछते हैं। तो वो बंदा आप सभी को पता है वो कौन है, वो है गोहान। तो यार गोहान ही रह गया होगा, तो नीचे चलते हैं और गोहान से भी पूछते हैं। गोहान बता बेटा कहाँ पर है? तो यार यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दिया गोहान को भी, और वो कह रहा है कि मेरे को माफ़ कर देना, बस यार माफ़ी मांग ली। पर यार इसको तो बंदा चाहिए एंड्रॉइड 20 को पेलना भाई पिकोलो को। तो यार चारों बंदों से पूछ रहा है, यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो पिकोलो कह रहा है मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है पर हमने शायद उसे खो दिया। तो यार भाई साहब इनकी पकड़ से तो बाहर चले गया वो बूढ़ा बाबा, पता नहीं कहाँ पर होगा। नाम लिया शैतान हाजिर। अरे बूढ़े अंकल थोड़ा थोड़ा के जरा, अरे कोरोना चल रहा है यार, कोरोना ट्रांसफर हो जाएगा। एंड्रॉइड 20 का है तो ऐसा लग रहा है। तो यार ये एंड्रॉइड 20 तो कह रहा है कि अब तुम्हारी सारी एनर्जी मेरी हो गई। तो पिकोलो मुंह से तो कुछ नहीं बोल सकता, पर पिकोलो को यार वैसे दिमाग से बात करना तो आता है। तो पिकोलो ने सिग्नल भेजे गोहान। तो यार गोहान को पता चल गया कि किसी ने पकड़ लिया या कुछ प्रॉब्लम आ गई है पिकोलो पे, और गोहान आ रहा है भगे भगे। और देखते हैं कि अब कितनी देर के अंदर आ जाएगा गोहान। क्या खतरनाक कमर पे दो घूंसे से वार किया यार सच्ची में, घाट डाला बूढ़े को तो, और इन तीनों ने भी घेर लिया पिकोलो की। तो यार पूरी एनर्जी चली गई, पिकोलो कह रहा है कि थैंक्स गोहान, और बिल्कुल हाफते जा रहा है क्योंकि यार इस बूढ़े बाबा ने ना सारी एनर्जी खींच ली है। तो गोहान कह रहा है क्रिलिन से, क्रिलिन जरा सेंजू बीन्स को दे दो। तो क्रिलिन कहता है ठीक है देता हूँ। तो यार सेंजू बीन को पास कर दिया, पिकोलो ने कैच कर लिया और खा लिया। अब देखते हैं कितनी देर में सही हो जाएगा, ये तुरंत सही हो गया भाई साहब। और सामने आ गया बिल्कुल एंड्रॉइड 20 के, अब तो फाइट लड़ेगा ये, तो अकेली फाइट लड़नी है मेरे को तो ऐसा लग रहा है। इस बार ये बिल्कुल भी बचते नहीं जाने वाला है, इसको पहले सुपरमैन पंच देता हूँ। और इससे इसका कुछ नहीं हुआ यार, ये क्या करने वाला है? अच्छा ये वाला अटैक करने वाला है, इससे तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बच के रहना पड़ेगा। ये यार पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत बुरी तरीके से, और यार हमारी पावर को खींच लेता है अपने में डाल लेता है, अपनी पावर बढ़ा लेता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है इसका ये वाला अटैक। बस इससे दूर रह रहे के कैसे भी करके फाइट करते जाऊँ। और अब ले मेरा अभी स्पेशल बीम कैनन, और यहाँ पर इसकी काफ़ी ज़्यादा मैंने हेल्थ नीचे कर डाली है। अब इसके ऊपर सुपरमैन पंच 20 है, अब एक जाकर लात मारूंगा खत्म, और पीछे भागता हूँ अब तो नहीं तो ये मेरे को काफ़ी अच्छे तरीके से लात मार देता। ले यार ऐसे दिन आ गए पिकोलो को बूढ़े इंसानों से लड़ना पड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा अभी पिकोलो को इस गेम के अंदर, कुछ पता नहीं चल रहा बिल्कुल। और ये ले मेरी एक और लात, और ये खा, अरे नहीं खाया था फिर, नहीं ये खा तू, और ये ले लात, इससे बच के भागते हैं भाई, अभी ये हमारे सामने ही आए जा रहा है।
और चाह रहा है कि कैसे भी करके इसकी एनर्जी हम खींच लें, यानी कि हमारी एनर्जी खींच लेंगे, कह रहा है ये। तो लात दे देंगे इसको, सारी एनर्जी दे देता है इसको लात से ही, है ना। कैनन काफी बढ़िया कैनन चली है अभी, और थोड़ी सी पावर बढ़ा ली मैंने। अब देता हूँ इसे मुचू मुचू अटैक, था मुचू मुचू। अरे यार ये तो अटैक्स के बीच में ही आ गया। लो भाई खींच ली इसने पावर, और बिना बात के पावर को खींचे जा रहा है ये इतनी देर से। तो इससे बच के खेलना पड़ेगा, काफी दूरी बना के रखनी पड़ेगी, और अटैक भी मेरे को काफी ज्यादा संभल के देने पड़ेंगे। अब देखा जैसे ये अपनी लेजर चलाया करेगा, थोड़ा सा साइड हटके अब हर बार मैं अपनी लेजर चला दिया करूंगा, ये मेरी एक स्ट्रेटेजी रहेगी। और ले तू मेरी लात की। अब देखा हूँ काफी सही पावर कम कर डाली है यार, काफी सही चल रहा है अभी तक तो। पर यार इसकी पावर खींचने वाली जो एबिलिटी है ना, उससे काफी ज्यादा डर लगता है, इससे बच के रहना पड़ेगा। पास में आ रहा है यार वापस से पावर खींचने के लिए, देखो देखो कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है, तो उससे बच के काम लेना पड़ेगा अभी कुछ देर के लिए। अब हाँ तू अब ये लात भी था मेरी, भागो 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 भागो, अब दो से कैनन वाला आता है। काफी मैंने पावर बढ़ा ली अपनी, और यार इससे बच बच के करना पड़ रहा है, बिल्कुल ऐसे उसी टाइम पर मारना पड़ रहा है मेरे को जो टाइम ठीक सा लगा है, नहीं तो बार बार ये पावर खींच लेगा जिसके ज़्यादा पास में रहेंगे, तो इस वजह से मैं ज़्यादा दूर होकर खेल रहा हूँ उससे। और इससे मैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट वैसे वाली जल्दी जल्दी वाली इस वजह से नहीं कर रहा, बार बार हाथ पाँव से ऐसे इसलिए भी चला रहा है, क्योंकि यार फिर मेरी जल्दी से एनर्जी को खींच सकता है, इससे बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा मेरी एनर्जी के जाने का। यार अपनी एनर्जी चली जाए वो उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, पर यार इसकी एनर्जी भर जाती है, हमारी एनर्जी जाने का वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। देखो हो गया जिसका डर था, बातों बातों में हो ही गया। यार मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार ये बहुत ज़्यादा, बहुत देर से कर रहा है ये दिमाग खराब मेरा। चलो यार अब इसकी पावर चलेगी सारी, अब देखते हैं ना इसे घूसे और लात। ये वाला देता हूँ मैं कभी भी, है ना, एक स्पेशल अटैक वाला घुसा और लात देता हूँ, ऐसे नॉर्मली वाला नहीं देता हूँ मैं जैसे, क्योंकि नॉर्मल वाला दूंगा तो ये पकड़ लेगा मेरे को जल्दी से। इससे बचो बचो बचो, हमारे पास ही आ रहा है, भागे भागे, काफी ज्यादा खतरनाक बुड्ढा है ये, जिद्दी पे बैठ जाता है बिल्कुल छोटे भाई की तरह, और है इतना बड़ा बूढ़ा। तो यार बच बच के काम लेना पड़ रहा है इससे, बड़ा खतरनाक है यार ये। बस आखिरी और मैं मार देता हूँ इसको भूसा और एक लात, और इसके बाद में दूर दूर खेलूंगा देखना। अरे बचो 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 बचो, ये लग रहा है आखिरी हो जाता मेरा लग रहा है। अभी इसके स्पेशल अटैक के अंदर मैं आने ही वाला था, वो तो बच गया यार कैसे भी करके। अब ये मैं इसे तो टाइम आने पर मारूंगा, अभी तो बचने का टाइम है मेरा, बच रहा हूँ वही काफ़ी है, अटैक तो बाद में करूँगा जब पूरे सही टाइम पर आएगा। और ये वाला अटैक मैंने करने की कोशिश करी तो बेकार हो गया यार, देखो कितना बुरी तरीके से हमारे सामने आते जा रहा है ना ये, और देखो वापस से अपनी लेजर छोड़ रहा है, ये तीन बार लगातार छोड़ेगा, बस ये आखिरी बार था। अब देता हूँ अपना अटैक, कैनन अटैक, बीम कैनन अटैक इसे कहते हैं, और ये काफ़ी अच्छी पावर हमने डिक्रीज कर डाली यार इतनी दूर से, नहीं तो हमें पास से करनी पड़ रही थी काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा, चलो तो थोड़ा बहुत तो असर कर ही जाती है। और ले अब तू लात खा, मेरी लात काफ़ी ज़्यादा असर करती है, इससे बचना पड़ेगा, वापस से आएगा मेरे सामने। अब ले, अब ले लात, ले मजे ले, अब बचो 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 इससे बचो, अब दो इसे कैनन, यही तो बात है यार, अब तो गया ये नहीं बचने वाला इस बार, बहुत देर से तंग करे जा रहा है यार मेरे को, समझ रहे हो ना, इसने मेरी इतनी सारी पावर खींची है, इतना मेरे को मारा, पूरा बदला तो लेना ही पड़ेगा यार। तो इसका तो यार काम तम होने ही वाला है, वापस पावर लेने के लिए आ रहा है क्या, नहीं अभी पावर लेने नहीं आ रहा, अभी ये तीन बार ये छोड़ेगा अपनी लेजर को, दो, और ये आखिरी बार, तीन,
अब देता हूँ उससे। अरे नहीं नहीं ये भागे भागे आ रहा है, अभी नहीं दूंगा। बच्चों 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 कैसे भी करके बच जाऊँ अभी तो उससे यार, बहुत स्पीड में भागे भागे आ रहा है, पावर को खींच लेगा और फिर हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। एक दो, अब ये आखिरी अटैक करेगा ये, अब दूंगा ऐसे कैनन वाला अटैक, स्पेशल बीम कैनन, खल्लास। इतनी सारी एनर्जी मैंने इसकी खल्लास कर दी यार, और ये सामने आ रहा है, इसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, वापस से पावर खींचने के लिए आ रहा है। ले लात और ले ले अब तू। मैं यार कॉम्बो में देता हूँ ये, एक घूसा देता हूँ एक लात देता हूँ, क्योंकि इसे घूसा घूसा दूंगा तो फिर यार लात का स्वाद नहीं चुप पाता ना ये। अच्छा आ रहा है, वापस आ रहा है मेरे पास में। हाँ तेरे से तो भाई बचते रहूंगा, पास में होके नहीं मारूंगा, क्योंकि दूर दूर से मारने आऊंगा घूसे, सुपरमैन की तरह घूसे मारूंगा और इसे लात इतने से मार रहा हूँ काफी मस्त तरीके से। और ये कैनन वाला मजा आ गया, आ गया स्वाद तेरे को। देखो अब इसे पेलना पड़ेगा ढंग से, पर आखिरी चल रहा है तो यार मैं थोड़ा संभल के ही पेलूंगा इसे। और ये ले लात। बचो 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 बचो, भाई साहब बिल्कुल बच गया यार एंड टाइम पर, और क्या मैंने छूटते ही वार दिया यार इस पर, अब तो इसे नहीं छोड़ने वाला, खत्म। तो यार तुम्हारा भाई हमेशा की तरह इस बार भी जीत गया। चलो अब टाइम है लेवल अप करने का, तो लेवल अप हो गया, मतलब ये लेवल अप वाला बस देखने का था। और यहां पर ट्रंक्स खड़ा है, ये क्या कर रहा है, मतलब इसने मैनेज कर लिया कैसे भी करके यहां तक आने का वापस इस टाइम में। तो ट्रंक्स कह रहा है रुको ये तो एंड्रॉइड्स नहीं है जिनको मैं जानता हूँ, चल क्या रहा है यहाँ पर, अगर वो ये नहीं है तो फिर किससे लड़ाई कर रहे हैं सब लोग। तो यार ये कह के सीधा चल दिया ये, और यहाँ पर यार मामला काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है। अब एंड्रॉइड 20 को तो हर जगह से घेर लिया, तो यार ये भरोसा ही नहीं कर पा रहा एंड्रॉइड 20 की पिकोलो ने इसको मार डाला। खैर यार भरोसा कर ले, अब तो यार असली जिंदगी में जी रहा है ये, बोल रहा है कि मैंने काफी ज्यादा बड़ी मिसकैलकुलेशन कर दी और मेरे को वापस से लैब में जाना पड़ेगा। तो पिकोलो कह रहा है सब यहाँ पर हैं, तो यानी कि हमने अपने आप को बिल्कुल सफा होने से बचा लिया, यानी कि हमने अपना फ्यूचर को बदल डाला है। तो इतनी देर में यार ये बुलमा आ गई और कह रही है हे गाइस, और क्या बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई क्या, हे गाइस कर रही है वहां से। यार ये एंड्रॉइड 20 एंड्रॉइड 17 और 18 की धमकी दे रहा है, कह रहा है कि वो तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। और भाई ये पूरा का पूरा इसने तोड़ डाली चट्टाने, और इतने ज़्यादा खतरनाक अटैक का यार बुलमा भी शिकार हो गई, उसको ट्रंक बचा कर लेके आया है। अब दो ट्रंक एक साथ सामने देखने को मिल रहा है, एक गोदी के अंदर है बुलमा की और यार एक साइड में। तो यार वेजिटा को सब कुछ समझ आ गया, क्योंकि यार पिकोलो ने नाम लिया ट्रंक्स, तो वेजिटा समझ गया ट्रंक्स ट्रंक्स तो मेरे बेटे का नाम है, यानी कि फ्यूचर से आया है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मेरा बेटा। यार सारी चीज समझ गया यार वेजिटा। करण कह रहा है कि अच्छा ये तो तुम हो जो पहले आए थे, तो तुम वापस आ गए। तो ट्रंक्स कहता है हाँ मेरे को लगा कि मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, पर तुम लड़ किससे रहे थे। तो यार ट्रंक्स को भी नहीं पता कि लड़ किससे रहे थे ये। तो वेजिटा कह रहा है वो रिंकली रोबोट किधर गया, उसने यार स्मोक का पूरा इस्तेमाल कराया अपना गेटवे बनाने के लिए। तो यार वेजिटा को अब जाके समझ आई जब पूरी कहानी खत्म हो गई, और ट्रंक्स यहाँ पर आके कहता है तुमने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी। वेजिटा कहता है इसमें तो बेवकूफ़ी है, मेरे को ऐसी चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ट्रंक्स यार बिल्कुल शांत पड़ गया, और अब ये दूसरा सीन आने वाला है। खैर ये कोई दूसरा सीन नहीं है, ये नीचे वाला सीन है। तो ट्रंक्स ऊपर से नीचे आ गया और वेजिटा भी साथ में आ गया। तो यार यहाँ पर ही अपनी बातें अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार ट्रंक्स कह रहा है कि ऐसा लगता है कि जो एंड्रॉइड से तुम अभी लड़ रहे हो वो बिल्कुल डिफरेंट हैं जो कि मेरे टाइम के एंड्रॉइड्स हैं। तो क्रिलिन समझ गया, कह रहा है कि इसका मतलब तो हिस्ट्री चेंज हो गई है पहले से। यार हिस्ट्री के अंदर तुम कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश करोगे कभी भी तो वो मिस्ट्री बन जाएगी। बुलमा कंफर्म करती है कि क्या वो एंड्रॉइड ही थे। तो क्रिलिन कहता है हाँ। तो बुलमा कहती है कि यार वो शायद से एक्चुअल डॉक्टर जीरो था, क्योंकि मैंने एक बुक के अंदर बिल्कुल सेम ऐसा ही फोटो देखा था डॉक्टर जीरो का, उसने शायद अपने आप को मॉडिफाई कर दिया है ताकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा और बढ़ा ले। ट्रंक्स कहता है नहीं, यानी कि मेरा पास्ट के अंदर आना इतना हिस्ट्री को चेंज कर देगा। तो पिकोलो कहता है कि उसने एंड्रॉइड 17 और 18 के बारे में जिक्र किया था, तो यही तो चीज थी जिसके बारे में तुम कह रहे थे, है ना। पिकोलो कहता है कि हमें बताओ कि वो कैसे दिखाई देते हैं। तो ट्रंक्स कहता है हाँ, एंड्रॉइड 70 एक यंग मैन है, उसके ब्लैक हेयर है और एक स्कार्फ उसके गले के पास में टंगी रहती है, और एंड्रॉइड 18 एक यंग वूमेन है, उसका आउटफिट
कम ज्यादा मेरे जैसा ही है। फिर शौक हो कहता है एक फीमेल टाइप। ओ चलो यार, तो वेजिटा कहता है बुलमा क्या तुम्हें पता है डॉक्टर जीरो की लेबोरेटरी किधर है? वो शायद वहीं पर ही होगा। बुलमा कहती है मेरे हिसाब से जो नॉर्थ साइड में माउंटेन्स है ना वहीं पर ही होगा। मैंने सुना है कि एक गुफा के अंदर उसने अपनी लेबोरेटरी बना के रखी है और वहीं पर भी वो अपने सारे एक्सपेरिमेंट करता है। तो यार ऐसा लगता है बुलमा ने काफी ज्यादा मदद कर दी है वेजिटा की यहाँ पर। बिकोलो कहता है अब सारा मामला सुलझ गया, फिर तो अब हम डॉक्टर जीरो की लेबोरेटरी के अंदर जाएंगे और उसे एंड्रॉइड 17 और 18 को एक्टिवेट करने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। वेजिटा कहता है ऐसी कायरता वाली टैक्टिक से मैं काफी ऊपर हूँ, उसे एक्टिवेट करने दो, मैं अपने हाथों से उसे कचड़े में बदल दूंगा। ट्रंक्स कहता है कि नहीं, हमें उसकी लेबोरेटरी को एंड्रॉइड 17 और 18 को एक्टिवेट करने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना होगा, और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें फाइटिंग को अवॉइड करना चाहिए जब तक कि गोकू रिकवर नहीं हो जाता। वेजिटा कहता है कि हमें कोई कैकरोट की जरूरत नहीं है, तुम ये भूल गए हो कि मैं भी एक सुपर सैयान हूँ। मैं कोई ऑर्डिनरी सैयान नहीं हूँ, मैं प्रिंस हूँ। इसका मतलब कि मैं कैकरोट से काफी ज्यादा पावर के अंदर आ गया हूँ। मेरे रास्ते में अब खड़े मत रहो। तो यार ये कह के वेजिटा यहाँ से भाग लिया और यहाँ पर वापस से इनकी बातें चलना शुरू हो गई हैं। अब देखते हैं कि यार क्या बात कर रहे हैं एक्चुअली में ये। तो ट्रंक्स कह रहा है कि मैं भी सुपर सैयान के अंदर बदल सकता हूँ, पर मैं उनके बराबरी का तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं भी जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा होगा उनके साथ में मुकाबला करना, पर मैं अपने पापा को वापस से मरता हुआ नहीं देखना चाहता। तो यार ये भी चले गया ट्रंक्स। और ब्रह्मा कहती है फादर, क्या उसने पापा कहा, इसका मतलब क्या है? तो पिकोलो बताता है कि ऐसा लगता है कि अब इस चीज को ज्यादा सीक्रेट रखना कोई मतलब वाली चीज नहीं रहेगा। तो पिकोलो बताता है कि जो बच्चा है इसका नाम ट्रंक्स है, वेजिटा उसका पापा है और तुम उसकी मम्मी हो, और दूसरे शब्दों में ये कह लें कि ये तुम्हारा बेटा है। ट्रंक्स को तुम एक बड़ा वाला वर्जन समझ लो उस बच्चे का जो तुम अपने हाथ में लेके खड़ी हुई हो। बुलमा कहते क्या सच्ची? तो क्रिलिन कहता है हाँ, तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता है कि वो सुपर सैयान के अंदर कैसे कन्वर्ट हो रहा था। पिकोलो बोलता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि एंड्रॉइड्स को एक्टिवेट करने से पहले उनको डिस्ट्रॉय करना ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। तुम सब मेरे साथ चलो, हम डॉक्टर जीरोस की लैब के पास में जाने वाले हैं। रियन कहता है हाँ। क्रेन भी बिल्कुल रेडी हो गया, गुहान भी रेडी है। गुहान कहता है बुलमा ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या तुम मेरे डैड को बोल दोगे जाकर कि जैसे ही वो अच्छा महसूस करते हैं तो वो भी हमारी मदद करने के लिए आ जाएं। तो बुलमा कहती है कि अच्छा मैं करूंगी, पर क्या तुमने मेरा प्लेन देखा है? पिकोलो कहता है गुहान सीधा तुम इसे लेकर वापस जाओ, समझे? हम काफी हैं इन एंड्रॉइड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। गुहान कहता है ठीक है, पर सावधान रहना है ना।